उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति, जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस बार जो मेयर हैं वो पिछली बार भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीती मेयर संयुक्ता भाटिया रहीं, और अभी इस बार अगर हम बात करें तो मेरे साथ इसमें सुषमा खरकवाल जी हैं, जो कि काफ़ी भारी मतों से विजयी घोषित हुई हैं, और लखनऊ की एक बड़ी जो यहाँ की कमान है वो इनके हाथ में सौंपी गई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की क्या रणनीतियाँ हैं और 5 साल लखनऊ किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो लखनऊ की मेयर सीट के लिए, और कहीं ना कहीं अगर हम मेयर सीट की बात करें तो फिर काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ भी आपके सामने हैं, उसको लेकर कैसे आप तैयारियों में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियाँ तो है नहीं, मुझे काम करना है और चुनाव भी मैं अच्छा लड़ी हूँ। आप सबका, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ता का सहयोग और जनता का आशीर्वाद रहा। और हम लोग 32 साल से लखनऊ में लगातार बने हुए हैं, मतलब 32 साल से सांसद मेयर सब हमारे, 28 साल मेयर हो गया, 32 साल सांसद हो गए, से लगातार हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद रहता है, जनता हमको 5 साल के लिए भेजते हैं। अगर हम सही काम न करें तो जनता का अधिकार है 5 साल बाद हमें हटाना। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को हम पे विश्वास है और हम उनकी जो स्वीकारता है उसको स्वीकार करके उनके बीच में अच्छा काम देते हैं, करते हैं। अब मैं तो 24 घंटा जनता के लिए, मैं 7-8 बजे निकल जाते हैं, वापसी का कोई टाइम नहीं है कि मुझे कब घर जाना है। मैम, मेयर के नाते अगर हम बात बोलें तो महिला को लेकर जो सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो आप पूरी तरह से, जिस तरह पिछली बार देखा गया कि महिलाओं को लेकर संयुक्ता मैडम ने हमेशा हर एक कार्यक्रम में पहुंची और उनका साथ दिया, क्या इस बार पुरुषों के लिए कुछ खास है, क्योंकि महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश और लखनऊ की राजधानी में पुरुष भी रहते हैं? नहीं, महिला और पुरुष का मतलब मैं नहीं समझती, आधी आबादी है, आधा हिस्सा महिला आधा आप। आज के देश में देश महिला चला रही है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो। आज राष्ट्रपति आपकी महिला है, इससे प्रधानमंत्री पहले आपकी महिला रही हैं, अच्छा शासन चलाया है, कई मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, अच्छा शासन चलाया है, तो पुरुष और महिला का कोई अंतर नहीं है। ठीक है मैम, ये है कि अपनी बिरादरी महिला हूँ इसलिए महिला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है, इसलिए महिला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि हम पिछली मेयर के लेकर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं, पर कुछ काम उन्होंने किए और कुछ बाकी रह गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है लखनऊ में मकड़ जाल की, जो तारों का फैला हुआ है, जिस कारण से कई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। छोटी गलियां हैं अमीनाबाद में, कई बार आग लग जाती है, बुझाना मुश्किल होता है। आप किस तरीके से उसको आगे चलकर सही करने का प्रयास करेंगे? देखिए, पिछली मेयर हमारी थी संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने जो काम किए हैं और जो उनके काम अधूरे रह गए उनको पूरा मैं करूँगी, क्योंकि उन वो चुनाव लड़ी, उसके बाद संगठन ने चेहरा बदला, संगठन नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी हैं, मैं भी हूँ। उनके जो भी काम अधूरे रह गए, जो करना चाहती थी समय नहीं मिला, वो काम पूरे मैं करूँगी। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से कई बार आदेश जारी हो चुके हैं लखनऊ में, जो ई रिक्शे चल रहे हैं और जो अवैध अतिक्रमण है वाहनों का, टैक्सी का, उनको लेकर कई बार कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम द्वारा कई बार कार्य भी किए गए हैं, उनको हटाया गया है, लेकिन वो पूरी तरह से लखनऊ में प्रतिबंधित नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारियाँ रहेंगी? इसको देखते हैं, कल इस पर मेरी नगर आयुक्त जी से भी बात हुई है, तो आगे देखते हैं कि क्या किया जाए। ई रिक्शा जैसे मेन रोड से हटके मोहल्ले के लिए हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैम, लखनऊ लगभग अब देखने को दिखता है कि लखनऊ काफ़ी चमक चुका है, बहुत साफ सुथरा है लखनऊ, लेकिन फिर भी लखनऊ की कुछ पुरानी जो गलियां हैं, पुराना लखनऊ है, वहां पर भी गंदगी का आमार देखने को मिल रहा है, इसको किस तरीके से जल्दी से जल्दी सही किया जाए? उनको भी साफ किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। साल भर का समय दीजिए, लखनऊ आपको चमकता मिलेगा, साल 2 साल में आप भी कहेंगे कि आप पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम हुआ। अहम और आखिरी सवाल है,
कि अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा लखनऊ में घटित हुआ जो कि आपके संज्ञान में होगा, जो कि होर्डिंग का था, उसको देखते हुए नगर निगम ने बहुत जल्दी कदम भी उठाए और रोडों से होर्डिंग हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि उस निजी कंपनी को 2 बार नगर निगम के द्वारा नोटिस जा चुकी थी, उसके बावजूद नोटिस देने के बाद भी वो होर्डिंग नहीं हटाई गई, अब हटाई जा रही है। तो आगे चलकर इन होर्डिंगों का और इन लोगों के ऊपर किस तरीके से एक्शन होगा? जिस दिन ये घटना हुई उससे पहले भी सक्रिय हो गई थी नगर निगम की टीम हटाने की तैयारी थी, क्योंकि 3 तारीख को कमिश्नर का लेटर आया था ये हटाया जाए, 4 को हमारे अधिकारियों ने बैठक की थी कि कैसे कहां से शुरू किया जाए, तब तक 5 तारीख की घटना घट गई। लेकिन उसके बाद से लगातार 300-400 के आसपास हटाए गए, चिन्हित किए गए हैं कि किन किन को, कमिश्नर का लेटर आया था ये हटाया जाए, 4 को हमारे अधिकारियों ने बैठक की थी कि कैसे कहां से शुरू किया जाए, तब तक 5 तारीख की घटना घट गई। लेकिन उसके बाद से लगातार 300-400 के आसपास हटाए गए, चिन्हित किए गए हैं कि किन किन को हटाना है, और यहां पे जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने गलती की कार्रवाई होगी। ये हमारे साथ लखनऊ की नवनियुक्त मेयर साथ में थी, और कहीं ना कहीं लखनऊ की तैयारियों की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ खास है इस बार जो कि बताना है इनका, कि पिछली मेयर द्वारा जो कार्य छूटा है वो हमारे संज्ञान में पूरा इन 5 सालों में किया जाएगा। कैमरामैन साक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।